हुआ क्या कि जो हमारी विक्टिम थी जिसकी डेथ हुई है उसकी दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट से डिफर कर रही है और ऐसी स्थिति में जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो पीड़ित परिवार को जस्टिस मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है। जो स्थितियां हैं इसमें लीगल एस्पेक्ट ये है कि अगर दो रिपोर्ट जब कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में तो शायद एविडेंस कलेक्ट करने में कोर्ट को बहुत मुश्किल होगी। तो हमने एक ज्ञापन इस बात का दिया है कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड गठित करके नीचे रखो भाई बराबर कर दो रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराया जाए और वो रिपोर्ट प्रशासन मंगवा ले। ये हमने पीड़ित परिवार की मांग है और जिला कांग्रेस कमेटी ने उस मांग के साथ अपने को संबद्ध करते हुए एक ज्ञापन हमने दिया है कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड गठित करके प्रशासन और फिर से पोस्टमार्टम। प्रियंका जी के आने की सूचना थी? जी हाँ। क्या कुछ था? नहीं, मैं आदरणीय प्रियंका जी को आना था, कानपुर में उनका रोड शो था, कई मोहल्लों में था, गोविंद नगर में था, सीसामऊ में था, आर्य नगर में था, सभी जगह से करती हुई वो आ रही थी। लेकिन अभी मुश्किल थी, हम लोग को 5 मिनट पहले सूचना मिली है कि वो किसी वजह से नहीं आ पा रही हैं, तो उसकी जगह उन्होंने महाराष्ट्र के हमारी मिनिस्टर हैं ऑनरेबल वर्षा गायकवाड़ जी, उनको वो भेज रही है, वो आपके बीच में। अभी तक कांग्रेस सुप्रीमो प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे, अब हम वो अभी पता नहीं किस कारणवश नहीं आ पाई हैं, इसलिए हमारा इंतजार खत्म हो गया है, हम अपनी गाड़ी को भेज में रखने जा रहे हैं। देखिए, कल जब शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते से ही ये प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई क्लियर था कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो डिफरेंस है। तो पीड़िता की जो परिवार है उनकी ये मांग है कि भाई क्योंकि दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं इनमें इतना अंतर क्यों, तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और मेडिकल बोर्ड जो है वो फिर से एग्जामिन करे बॉडी को, पूरी प्रोसेस को वीडियोग्राफ करे और तब तक बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात का दबाव था कि बॉडी जो है उसको बरी कर दिया जाए, और क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं तो बॉडी इस कंडीशन में है क्योंकि 2 महीने बाद बॉडी जो है वो मिली है, तो बॉडी की कंडीशन काफ़ी वीक है। लेकिन परिवार का ये कहना था कि यदि हम बॉडी को दे देते हैं और हमें नहीं पता बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, तो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कन्फ्लिक्टिंग क्यों है, इसके लिए एक तीसरी निष्पक्ष जांच की जाए। क्योंकि रात के 9 से 10 बजे के बीच में हमको इसकी पोस्टमार्टम की कॉपी मुहैया कराई गई, तो रात के 10 बजे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके सामने भी आवेदन लगाया, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने भी आवेदन लगाया, और इसका संज्ञान में जो है कॉपी जो है वो हमने चीफ जस्टिस की हाईकोर्ट को दी। हाईकोर्ट इतनी जल्दी जाना संभव नहीं था और बॉडी की जो हालत थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसलिए जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए। क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुनवाई हुई और उनका जो ऑर्डर है वो ये है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप DM के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से उन्होंने अभी फ़िलहाल कोई भी रिलीफ नहीं दिया है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई है? एप्लीकेशन उन्होंने कहा कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, आप हाईकोर्ट के पास जाइए या आप DM के पास जाइए। उन्होंने इस मामले में उन्होंने आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं की? नहीं, उन्होंने मेरिट पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, उन्होंने कहा साफ साफ कहा कि विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस हम मेरिट्स में नहीं जाएंगे, आप इसके लिए हाईकोर्ट में 482 में जाइए या DM के पास जाइए। आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं की? एडमिट करने का मतलब एडमिट करी, सुना, लेकिन उन्होंने रिलीफ नहीं दिया।